है, कहता है कि यहाँ पे कहता है कि ये रिंग है सी है, देखो यहाँ एक रिंग लगा हुआ है सी, सी नाम का रिंग है उसका नाम है। तो ये दो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस पार्ट में है, ये स्ट्रिंग इस पार्ट में है, ठीक है। अब अगर ये डी ऊपर जाता है, ठीक है, तो बी नीचे आता है, तो रिंग आगे जाएगा, ठीक है। रिंग अगर आगे जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ऐसे भी समझ लो। चलो तो हमें फाइंड द स्पीड ऑफ द, हाँ, इफ द स्पीड ऑफ द बी, बी वाला कौन सा है ये, इसकी स्पीड वी पहले से दे रखा है, इसकी स्पीड वी है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक डी। तो ये जो ब्लॉक डी है इसकी स्पीड वी डैश मैं मान लेता हूँ वो कितना होगा, इसको मुझे निकालना है, ठीक है। इसकी स्पीड पहले से भी है और इसकी स्पीड वी डैश है, तो ये हमें चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब वही अपनी पुरानी कॉन्सेप्ट कि अलॉन्ग द स्ट्रिंग मस्ट बी स्पीड रिमेंस सेम। अब ये तो पहले से ही स्ट्रिंग के अलॉन्ग, इसको तो रिजॉल्व नहीं करना भाई, ठीक है। ये पहले से ही स्ट्रिंग के अलॉन्ग वी डैश, उसको भी नहीं रिजॉल्व करना। अब इसमें एक स्पीड है रिंग, रिंग की जो स्पीड है वो रिंग इधर जा रहा है मान लेता हूँ मैं, मतलब रिंग की स्पीड मान लेता हूँ कुछ यू, चलो रिंग की स्पीड मान लिया मैं कुछ यू। तो इसका मतलब ये, अगर दिया हुआ इन्होंने 53 है, तो यू का एक कॉम्पोनेंट स्ट्रिंग के लॉन्ग आएगा जो होगा यू कॉस 53। अब यहाँ से एक इक्वेशन ये इधर वाली स्ट्रिंग के लिए बन गया यार, इधर वाली स्ट्रिंग के लिए बन गया, क्यों, क्योंकि जो यू जो वी है भी मस्ट बी इक्वल टू यू कॉस 53, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस साइड का इक्वेशन हमें बन गया। अब देखो, अब इस वाली स्ट्रिंग के लॉन्ग इसकी जो रिंग की वेलोसिटी है वो जो इधर जा रही है, इस स्ट्रिंग के लॉन्ग तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, परपेंडिकुलर वाला है तो इसके परपेंडिकुलर इधर कहीं आएगा। चलो तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 37 है, ठीक है, अगर ये 37 है तो ये 37 है तो ये भी 37 है, ठीक है, ये 37 है और तो अगर ये 37 है, 37 है, या यूं कहो कि ये इसका जो साइन वाला कंपोनेंट है, ऐसे भी कह सकते हो, इसका जो साइन जो कॉस वाला इधर है और जो साइन वाला कंपोनेंट है वो इधर आएगा, जो भी ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अलोंग आएगा, या तो दोबारा कॉस वाला ले लो या तो इसका जो है यू साइन 53, ठीक है। तो यू साइन जो 53 है वो परपेंडिकुलर होने की वजह से, क्योंकि ये देखो ये 53 है 37 है तो पूरा 90 आ गया, तो जो इसका साइन वाला कंपोनेंट है वो तो इस स्ट्रिंग के अलोंग ही आ जाएगा भाई, ठीक है। तो हमें दोबारा रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि 37 लेके ये भी 37 लेके ये रिजॉल्व कर लो, वैसे भी कर लोगे तो ये 37 और 37 का कंपोनेंट यू कॉस 37 इधर आएगा और यू कॉस 37 साइन 53 के तो इक्वल ही होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो साइन वाला कंपोनेंट है वो पहले से ही इस स्ट्रिंग के लॉन्ग आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली स्पीड वी डैश है, वी डैश मस्ट बी इक्वल टू यू साइन 53, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर टू। अब हम लोगों को क्या निकालना था, अब हम लोग को निकालना था वी डैश। तो वी डैश निकालना, तो एक काम करते हैं डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वी डैश अपॉन बी इज इक्वल टू साइन 53 मस्ट बी इक्वल टू कॉस 53, मतलब ये आ जाएगा टेन 53, दैट इज टेन 53 इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब स्पीड वी डैश इज इक्वल टू 4/3 स्पीड बी। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं। क्लियर है, चलो। अब इसी तुम बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो, ये जो